हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टूटी फूटी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी आएगा। बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना सकते हैं। एक छोटे बॉल में टूटी फ्रूटी और मैदा को मिलाकर साइड में रख लेंगे और एक अलग बर्तन में बटर, यहाँ मैं पीसी हुई चीनी ले रही हूँ, जो नॉर्मल शुगर को मैं मिक्सी में पीस कर पाउडर बना ली हूँ। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब तक क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए तब तक इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। 5 मिनट मिक्स करने पे वो अच्छे से टेक्सचर आ जाती है। यहाँ मैं कर्ड ले रही हूँ। अगर आप अंडा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके जगह आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक छलनी से मैदा लेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। छान लेने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, यहाँ हम लोग बीटर की यूज नहीं करेंगे, इसको स्पून से ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वेनिला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ दूध जो है थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में दूध नहीं डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड वाले टेक्निक से। यहाँ मैं टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, जो शुरू में हमने उसमें मैदा डालकर साइड रखा था, वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मेरी रेसिपी है वहाँ टूटी फ्रूटी की, आप उसको देख सकते हैं कैसे बना सकते हैं घर पर। एक केक के बर्तन में ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर डाल देंगे। और प्री हीटेड ओवन में इसको बेक कर लेंगे। अराउंड 30 से 35 मिनट बेक कर लेंगे। केक बन जाने के बाद वो अच्छे तरह ठंडा हो जाए तभी उसको डीमोल्ड करेंगे। ये अभी अपनी केक अच्छी तरह रेडी हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।